नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव और इस वक्त महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। हालांकि किसी बड़े नेता को इधर से उधर नहीं किया गया है, लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने दो नई कमेटियां बनाई हैं। इसके अलावा चार सब कमेटी बनाकर बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं को सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मोतीलाल वोरा और चरणदास महंत का कद बढ़ाया गया है, वहीं दूसरे नेताओं को दूर रखा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अधिकतर कमेटियों में कमलनाथ को रखा गया है। हालांकि इसमें दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, लेकिन कमलनाथ का जो कद है, जो कमेटियां जो बनाई गई हैं, उस हिसाब से कमलनाथ का कद ज़्यादा बढ़ाया गया है। यानी ये माना जा सकता है कि वो राहुल गांधी के और करीब पहुंच गए हैं। इस सूची को देखने के बाद तो यही लगता है। हम आपको बता दें कि जो कमेटियां राहुल गांधी ने बनाई हैं, उसमें एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई है, दूसरी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई है और चार सब कमेटियां बनाई हैं, यानी चार सब ग्रुप बनाए हैं जिसमें अलग अलग निर्णय लिए जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को रखा गया है, उसके एक्सपर्ट्स को रखा गया है। हम आपको बताते हैं कि ये कमेटियाँ किस तरह की हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेताओं को किन किन कमेटियों में जगह मिली है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मैं बात करता हूँ। इसमें चेयरमैन के तौर पर मोतीलाल वोरा को सारा काम सौंपा गया, यानी उनको महत्वपूर्ण कमान सौंपी गई है। इसके अलावा इसमें दिग्विजय सिंह को लिया गया है, कमलनाथ को लिया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रदेश प्रभारियों को भी रखा गया है। पीएल पुनिया जिस तरह से छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उन्हें भी इसमें जगह मिली है। आरपीएन सिंह झारखंड के प्रभारी हैं, उन्हें इसमें जगह दी गई है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष जो हैं टीएस सिंहदेव, उनकी बहन जो है हिमाचल से विधायक हैं आशा कुमारी, उनको भी इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा कुछ स्पेशल इनवाइटीज़ हैं जो इसमें रखे गए हैं। लगभग 9 ऐसे बड़े लीडर हैं जिनको विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चेयरमैन बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आने वाले 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बड़े स्टेट के बड़े महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में इन कमेटियों को बनाए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि ये कमेटी उस बड़े स्तर पर काम करेगी जहां पर चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है ये कमेटियां। मनमोहन सिंह के साथ जिन लोगों को इस कमेटी में हिस्सेदार बनाया गया है, जिन लोगों को इसमें जगह दी गई है, उसमें मध्य प्रदेश से कमलनाथ को लिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया गया है, छत्तीसगढ़ से चरणदास महंत को लिया गया है और मध्य प्रदेश से विवेक तनखा को इसमें जगह दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है क्योंकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम करेगी ये कमेटी। इसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र चरणदास महंत को ही इसमें जगह दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश से तीन बड़े लीडर उसको इसमें रखा गया है। इसके अलावा एक सब ग्रुप जो बनाया है, जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेगा या पॉलिटिकल इक्वेशन या सिचुएशंस पे बात करेगा, जो राहुल गांधी जी ने ये जो कमेटी बनाई है, उसमें भी कमलनाथ को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से चरणदास महंत को भी इस कमेटी में रखा गया है। और एक और बात हम आपको बता दें कि इसमें मध्य प्रदेश के ट्राइबल लीडर कांतिलाल भूरिया को भी जगह दी गई है। कांतिलाल भूरिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो आदिवासी नेताओं में एक बड़ा नाम कांतिलाल भूरिया का माना जाता है और इस कमेटी में उन्हें जिस तरह से जगह दी गई है, ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में जो आदिवासी वोट बैंक है, उसको सीधे सीधे कांग्रेस अपने पक्ष में करने के लिए एक ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस ने लिया है जो प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा एक जो इकोनॉमिक अफेयर्स पे एक कमेटी का गठन किया गया है, इसमें पी चिदंबरम को चेयरमैन बनाया गया है। पी चिदंबरम को आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है।
इसमें भी कमलनाथ को जगह दी गई है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उन्हें इस कमेटी में रखा गया है। इसके अलावा उड़ीसा से प्रदीप कुमार मांझी को इसमें जगह दी गई है, वो पूर्व सांसद हैं और यूथ कांग्रेस में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभा चुके हैं। यानी ये एक महत्वपूर्ण है चीज़ कि इसमें मध्य प्रदेश की जो पूरी कमेटियां हैं उसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी ज़्यादा दिख रही है और उसमें भी कमलनाथ का जो वज़न है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। पॉलिटिकल तौर पे ये एक महत्वपूर्ण बात मानी जा सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके भी एक कमेटी बनी है। ये कमेटी आनंद शर्मा इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। इस कमेटी में भी कमलनाथ को रखा गया है, यानी कमलनाथ लगभग महत्वपूर्ण कमेटी में हर जगह पर रखे गए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट से संबंधित एक कमेटी बनाई गई है, जिसका चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है। इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों से लोगों को लिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं पीएल पुनिया को इस कमेटी में जगह दी गई है। इसके अलावा जयराम रमेश सहित हैं, अरुण उराव भी छत्तीसगढ़ के सहायक प्रभारी हैं पीएल पुनिया के साथ। आप देख सकते हैं कि ये जो कमेटियां बनी हैं चुनाव के ठीक पहले, ये जिस तरह की कमेटी आई है उसमें काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में तीन बड़े स्टेट में ये चुनाव होना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और जो कमेटियां जो सामने जो दिख रही हैं उसमें तीनों ही स्टेट के महत्वपूर्ण और बड़े नेताओं को राहुल गांधी ने इस कमेटी में रखा है। इसके अलावा एक कमेटी अमेंडमेंट कमेटी बनाई गई है, इसमें जो चेयरमैन है गुलाम नबी आज़ाद को बनाया गया है। यानी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक दिल्ली की राजनीति से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है, गुलाम नबी आज़ाद को इसमें रखा गया है। इसमें 10 सदस्यों को रखा गया है, इसमें महाराष्ट्र के भी कुछ मेंबर्स हैं उनको रखा गया है। इसके अलावा दूसरे स्टेट के भी जो लोग हैं उनको भी रखा गया है, कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इसमें जगह दी गई है। ये चुनाव के पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने एक कमेटी के रूप में सारे नेताओं को इकट्ठा करके जो बड़ी जिम्मेदारी देकर सामने लाए हैं, ये आने वाले समय में बहुत ही बेहतर एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश उन्होंने की है। लगातार बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Glibz.in। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glibz.in।